और उनका घेर लिया और पत्रा देखता कि ये अपने किले में बंद हो गए, छुप के जा रहे और मुकाबले के लिए बाहर न निकले, तैयार न हो और अपने वहां पर ने हुजूर अलैहि सलाम ने वहां वास्ता कर दिया। 15 दिन तक ये वास्ता रहा और उसके बाद ये मजबूर होकर बाहर निकले तो हुजूर अलैहि सलाम ने सहाबा से फरमाया कि इनकी मस्ती बांध दो, इनको बांध दो कस के, और उनको बांध दिया हुजूर अलैहि सलाम ने और उनके मान और औलाद पर और उनकी सारी जायदाद पर हुजूर ने कब्जा कर लिया और तय यह हुआ कि इनको कत्ल करना है। इसलिए कि वायदे की खिलाफ वर्जी की थी इन यहूदियों ने। तो फिर बिन अब्दुल्लाह बिन इब्ने उबैय इब्ने सलूल जो मुनाफिकीन का सरदार था यहूदियों में और जिसने झूठ मूठ इस्लाम का दावा किया हुआ था, अंदर से पक्का बीच में आ गया और हुजूर अलैहि सलाम से इसरार करने लगा कि आप इनको छोड़ दें और हुजूर ने जो जिरह पहनी हुई थी जंग के लिए उसकी जेब में हाथ डाल लिया और बहुत ज्यादा इसरार करने लगा कि आप इनको छोड़ दें। तो हुजूर अलैहि सलाम ने उनके कत्ल को तो माफ कर दिया, छोड़ दिया, लेकिन हुजूर ने उनको वहां से जिला वतन कर दिया और फिर तुम जहां भी जाओगे तुम जलील और रुसवा होगे। तो ये गज़वा हुआ इसी साल सन 2 हिजरी में, इसको गज़वा बनू कैनका कहा जाता है क्योंकि ये कैनका इनका कबीला था इसके खिलाफ। उस मौके पर क्योंकि मुसलमान मदीना में रहते थे तो मुसलमानों के भी यहूदियों से ताल्लुकात थे, लेन देन के मामलात थे, इकट्ठे रहा करते थे और एक सहाबा में अब्दुल्लाह बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला तुम्हें कभी
इसलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मन अहब्बा लिल्लाह व अबगद लिल्लाह व आता लिल्लाह व बना लिल्लाह फकद इस्तकबल लिल्लाह, कि जो आदमी अगर किसी से मोहब्बत करे तो अल्लाह की वजह से मोहब्बत करे, अगर किसी से नफरत करे तो अल्लाह की वजह से नफरत करे, अगर किसी को कुछ दे तो अल्लाह के लिए दे, और अगर किसी को कुछ नहीं देता उसे रोक देता है आपको तो वो अल्लाह की वजह से रोकता है। अल्लाह ने हमें फरमाया कि इस आदमी का ईमान काम है जिसके सारे ताल्लुकात तय है अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की बुनियाद पर। आज हम में और सहाबा में यही फर्क है, हम जहां कहीं दीन का मामला आता है उसके मुकाबले में रिश्तेदारी का मामला आता है, अपनी सोसाइटी का मामला आता है, अपने मुआशरे के हालात का आता है, तो हम अल्लाह और उसके रसूल को तरजीह नहीं देते, हम अपने मुआशरे को तरजीह देते हैं, अपने रिश्तेदारों को तरजीह देते हैं, अपनी सोसाइटी को तरजीह देते हैं। शादियों में यही करते हैं और गमियों में भी यही करते हैं। तो महाराज के गजब बंधु का इनकार भी इसी मौके पर हुआ। इसके बाद एक और गजबा हुआ जिसको गजबातुस्सबीर कहा जाता है, सत्तू वाला गजबा। अभी वक्त कम है, मैंने कुछ और बयान करना है फिर इसको कभी अर्ज करूंगा। इसी सन 2 हिजरी के अंदर हजरत सैयदतुन्निसा फातिमतुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला का निकाह हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हुआ, और यह निकाह भी सन 2 हिजरी में हुआ है। इसमें मुख्तलिफ अक़वाल बात देते हैं, मुहर्रम में हुआ बात देते हैं, और ज़िलहिज्जा में हुआ बात कहते हैं, सफ़र के महीने में हुआ। बहरहाल सन 2 हिजरी के अंदर हजरत सैयदतुन्निसा फातिमतुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला निकाह करने का हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला से हुआ। इस निकाह का वाकया यह है कि जब हजरत फातिमतुज़्ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला को अदहा बुलूग की उम्र पर पहुंच गए तो अब उनके रिश्ते के पैगावार जाहिर है कि इस्लामी माशरे में, अरबों के माशरे में यह रवायत था कि जब बच्ची बच्चा बालिग हो जाए तो फौरन उसका निकाह कर दो, अल्लाह उसके रसूल का हुक्म भी है। तो सबसे पहले हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला ने निकाह के लिए जो पैगाम दिया वो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि आप अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दो, फातिमा से निकाह मुझसे कर दो। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ अबू बकर अल्लाह ताला के हुक्म का इंतजार करो, और फिर उसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल मैं हजरत फातिमा से निकाह का खासदार हूं चाहता हूं। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उनको भी यही जवाब दिया कि ऐ उमर अल्लाह ताला के हुक्म का इंतजार करो। उसकी वजह यह है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने एक रिवायत में फरमाया कि मैंने जब भी किसी जगह खुद अपना रिश्ता किया है, अपना निकाह किसी खानदान से किया है, तो उस वही की वजह से किया है जो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास लेकर आए थे। लिहाजा हुजूर ने अबू बकर की बेटी अम्मा आयशा से जो निकाह किया है वो भी आसमानों से अल्लाह ने खुद हुक्म दिया है कि तुम आज अबू बकर की बेटी आयशा से निकाह करो, तो वो निकाह भी अल्लाह की तरफ से हुआ है। जितने निकाह हजरत उमर की बेटी हजरत हफ्सा से हुजूर का निकाह हुआ वो भी अल्लाह की तरफ से भेजा है, उसके मुताबिक निकाह हुआ है। तो बहरहाल हजरत उमर को भी हुजूर ने ये जवाब दिया। तो उसके बाद ये तीनों हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत साद और अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये तीनों हजरात ने आपस में मशवरा किया कि हजरत फातिमा के निकाह के लिए बाकी सब ने दरख्वास्त कर ली, हुजूर की मंशा नहीं हुई, हजरत अली ने अब तक अपने आप को पेश नहीं किया, हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजरी हजरत आली हजरत फातिमा के रिश्ते के सिलसिले में नहीं ली उन्होंने, तो लगता यह है कि अली के हालात खराब है, कमजोर है माली एतबार से, इस वजह से उनको हिम्मत नहीं हो रही। हालांकि हुजूर के चचेरे भाई भी हैं, हुजूर के बहुत ज्यादा महबूब भी हैं, और हुजूर अलैहिस्सलाम पर बहुत ज्यादा अपनी जान कुर्बान करने वाले हैं वो, तो उनको भी पेश करना चाहिए था, लेकिन लगता है कि वो अपने हालात से परेशान है, लिहाजा हमें उनकी मदद भी करनी चाहिए और उनसे ही बात करनी चाहिए कि वो हुजूर के पास जाए। तो ये तीनों हजरात, ये बात याद रखने की है, बहुत से लोग हमारे माशरे में सैयदना सिद्दीक अकबर, हजरत उमर फारूक, दूसरे सहाबा पर तबर्रा करते हैं,
दरम्यान एक बात कह दूं, हर अली के पड़पोते इमाम जैद हजरत अली जो हजरत हुसैन के बेटे उनके लिए बेटे, ये फरमाते हैं कि जो आदमी अबू बकर और उमर से बरात और बेजारी का ऐलान करता है वो हकीकत में हजरत अली से तादुकी का ऐलान करता है। अबू बकर और उमर से बेजारी और उन पर तबर्रा करना यह हकीकत में हजरत अली मुर्तजा पर तबर्रा है। बहरहाल ये तीनों हजरत हजरत अली रजी अल्लाह को ढूंढते ढूंढते ढूंढने के देखा वो जंगल में अपना मुंह चुरा रहे थे, उनसे जाके सारी बात की किस तरह तुम हुजूर के सामने जाओ उनसे फातिमा के निकाह की दरखास्त करो। तो उन्होंने कहा मेरे को हालात ऐसे हैं कि मेरे पास उनका घर भी नहीं है, क्योंकि वो भी हजरत अली हुजूर के पास रहते थे, अपना घर भी नहीं था उनका। तो हम कहा कि तुम जाओ बारात हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह तआला हो गए और हुजूर की मजलिस में बैठ गए। बात कोई नहीं, शर्मो हया था तबीयत में और हुजूर के एहसानात भी थे बहुत ज्यादा, इसलिए ये बात करने से झिझक रहे थे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही समझ गया और फरमाया कि ऐ अली फातिमा के रिश्ते के सिलसिले में आए हो, तो रस के अल्लाह के रसूल इसीलिए आए हो। तो हुजूर ने पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई इखराजात भी है बाहर के लिए, कोई खर्चा वगैरह जारी वक्त तो खर्चा भी होता है। तो अर्ज किया अल्लाह के रसूल मेरे पास कुछ भी नहीं है। दो रिवायत है, एक रिवायत में अर्ज किया कि कुछ भी नहीं है, फिर हुजूर ने फरमाया कि तुम्हें जो बदर की जंग के अंदर जो हमें फतह हुई थी और काफिरों से जो एक जिरा हमने ली थी वो जिरा मैंने तुम्हें हदिया की थी वो जिरा कहां है। और एक और यह है कि उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल मेरे पास दो चीजें हैं, एक जिरा है मेरे पास जो पहन के जंग करनी होती है अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना होता है और दूसरा मेरे पास एक घोड़ा है। तो हुजूर घोड़ा को रहने दो वो अल्लाह के रास्ते के जिहाद में काम आएगा और जो जिरह है तुम्हारी उसको बेचो और उससे फातिमा का महर का इंतजाम करो। अब हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने उस जिरह को लेकर बाजार में गए। वो जिरह बहुत ही कीमती जिरह थी, बहुत वजनी जिरह थी और बहुत अच्छी जिरह थी, इस पर कई तलवारें टूटती थी लगकर। तो उन्होंने पीछे पीछे हनुमान भी चले थे, तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला बाजार में जिरा बेच रहे थे। जब कोई आदमी किसी जगह मंडी वगैरह में अपना कुछ सामान बेचने चल जाता है तो उसको दो परेशानियां होती हैं। एक तो परेशानी ये होती है कि ये सामान मैंने उठाया हुआ है इसके बहुत से जान छूटे बिक जाए, और दूसरा जब तक ना बिके वो अंदरूनी तौर पर भी परेशान, एक जाहिर बोझ होता है उसके ऊपर और दूसरा अंदर से भी परेशान होता है कि ये ना बेची तो फिर वापस ले जानी पड़ेगी और माली इंतजाम नहीं है कोई भी। तो हजरत अली रजी अल्लाह उस वक्त मुश्किल में थे। तो हजरत उस्मान अली रजी अल्लाह तआला की जान पर हम कुर्बान हो जाएं कि जब भी इस्लाम को माल की जरूरत पड़ी है उस वक्त उस्मान ही हाजिर हुआ है माल कुर्बान करने के लिए, अली को भी माल की जरूरत पड़ी है उस वक्त भी उस्मान ही हाजिर हो रहा है। तो पूछा है अली क्यों परेशान, अर्ज किया फरमाया के हुजूर के हुजूर से फरसंती में रहने का दरख्वास्त की थी, हुजूर ने कबूल फरमा ली है, ये जरा बेचने आया हूं। तो हर उस्मान ने फरमाया कि ठीक है ये जरा मैं तुमसे खरीद देता हूं, 480 दिरहम में ये जरा तुमसे खुद पर बेच दो, 480 दिरहम में खरीद ली जरा। तो जरा हजरत उस्मान के पास चली गई, पैसे उनको दे दिए हजरत अली को। हजरत अली वापस जाने लगे तो फिर कंधे पर हाथ रखा और कहा कि शादी हैदर करार की हो और उस्मान ने उसमें हैदर करार को हदिया और गिफ्ट और तोहफा ना दे, ये तो उस्मान की शान बिना के खिलाफ है, लिहाजा ये जरा भी हदिया और तोहफे में तुम दे दो, पैसे भी दे दिए और जरा भी वापस कर दिए। सहाबा का आपस में एक दूसरे से ताल्लुक था, इसलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अशिद्दा वल कुफार व नगाउ बैनहुम, कि सहाबा आपस में एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा नरम थे, बहुत ज्यादा रहम करने वाले थे, काफिरों के मुकाबले में शीशा बनाई हुई दीवार होते थे सहाबा। आज हम आपस में लड़ते हैं, सारी दुनिया के इफरादी इज्तिमाई सारे मुसलमानों की बरादरियां आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं और मुल्कों का हाल यह है कि सारी दुनिया के मुसलमानों की हुकूमतें आपस में इख्तलाफ है लेकिन कुफर के मुकाबले में सारे के सारे जिंदा
अपने पुराने पर बने रहते हैं तो बारह को उनको दे दे। अब हजरत अली रजी अल्लाह को लेकर के हुजूर के सामने बयान किया, हुजूर ने उस्मान रजी अल्लाह को दुआएं दी, फिर बारह निकाह हुआ, निकाह के बाद मुश्तरी हुई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को जो जहेज दिया, ये किसकी शादी हो रही है? सैयदतुन निसा अहले जन्नत, जन्नत की औरतों की सरदार, पूरी कायनात में इससे कीमती बेटी कोई नहीं है, और इसके वारिस से बढ़कर सारी कायनात में कोई बड़ा बाप नहीं है, इमाम अंबिया की बेटी है और औरतों की जन्नत की औरतों की सरदार है ये बेटी। इसको जहेज में हुजूर क्या कह रहे हैं? एक है नीचे बिछाने का गद्दा और एक ऊपर ओढ़ने का है, ऊपर को रजाई की तरह, जिसमें खजूर की छाल बनी हुई है, दो तकिया है और एक घड़ा है और इसी तरह एक चारपाई है। छह चीजें को हुजूर अलैहिस्सलाम ने दी अपनी बेटी को, और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला का निकाह हो गया, रुश्ती हो गई, आपस में रहने लगे, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला की तरबियत ऐसे की थी कि दुनिया की मोहब्बत और दुनिया की ऐश और इशरत को कूट कूट के उनके दिल से निकाल दिया था। अब जब क्योंकि हजरत अली के पास इतना मकान नहीं था तो एक मकान किराए पर उन्होंने लिया और वो मकान थोड़ा दूर था, तो एक दफा हजरत हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत फातिमा से कहा, हुजूर अलैहिस्सलाम मिलने के लिए जाते थे हजरत फातिमा के पास, तो एक दफा हुजूर ने कहा कि मेरा दिल चाहता है कि मेरी बेटी मेरे करीब ही हो, इतना दूर आना पड़ता है। तो हुजूर ने अर्ज किया हजरत फातिमा ने कि ऐ अल्लाह के रसूल, आपके सहाबी हैं हारसा इब्ने नौमान रजी अल्लाह तआला अन्हु और उनका मकान आपके मकान के करीब है, अगर आप उनसे कह दें तो वो अपना मकान आपको दे देंगे और मैं आप फिर आप हमें वहां शिफ्ट कर लें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हारसा ने पहले ही मुझ पर बड़े एहसान किए, कितने महाजरीन को उसने जाति मकान के ऊपर हदिया किए, अब मैं उसे मजीद मकान मांगू, इससे मुझे हया आती। ये बात फिरते फिरते हजरत हारसा के पास पहुंची तो वो हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया, अल्लाह के रसूल मुझे ये पता चला है कि मेरा आपको मेरा मकान जरूरत है, लिहाजा आपके मकान के मुत्तसिल साथ जो मकान है मेरा, ये मैं आपको हदिया करता हूं। और अर्ज किया, अल्लाह के रसूल मेरा जो माल आप ले लें वो मुझे उस माल से कहीं ज्यादा महबूब है जो मेरा माल मेरे पास रहता, हमें तो अपनी जान अपना माल सब कुछ आप पर लगाना, हम इसको अपनी सआदत समझते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम सलाम के लिए बरकत की दुआ दी और फिर अम्मा फातिमा उस मकान में शिफ्ट हो गई, मुंतकिल हो गई, आपस में जिंदगी गुजरने लगी और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की जिंदगी इंतहाई इबादत की जिंदगी, इंतहाई जोर की जिंदगी, इंतहाई शर्म और हया की जिंदगी थी। आज की हमारी मुसलमान माएं और बहनें ये मुख्तलिफ लोगों को औरतों को अपना आइडियल बनाती है, अपना रहनुमा समझती है, सारी दुनिया की इंसानों की औरतों के लिए अल्लाह ताला ने हजरत फातिमा और आयशा और हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नमूना और आइडियल बनाया। कैसी जिंदगी थी? अल हसन फरमाते बेटे उनके कि एक रात मेरी अम्मा सारी रात इशा का वक्त दाखिल हुआ, घर में नमाज के लिए जगह मुकर्रर की हुई थी, मुसल्ले पर खड़ी होगी, सारी रात अल्लाह जल्ला जलालहू से इबादत के अंदर गुजार दी और तहज्जुद के वक्त में दुआएं मांगती रही और सारी दुनिया के ईमान वाले मर्दों के लिए, ईमान वाली औरतों के लिए दुआएं मांगती रही। तो मैंने बाद में अर्ज किया कि ऐ अम्मा, आपने सारे मुसलमान मर्दों औरतों के लिए दुआएं मांगी है, अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा, अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा। तो फरमाया कि जो घर से बाहर होता है उसका हक ज्यादा होता है बनिस्बत उसके जो घर के अंदर हो, तो मैं दूसरों का हक ज्यादा समझती हूं, इसलिए उनके लिए दुआएं मांगती थी। और शर्म हया इतना था कि एक दफा हुजूर अलैहिस्सलाम सलाम ने खुद बुलाया मिलने के लिए, तो जब बारिश से भी मिलने के लिए आ गई थी तो शर्म हया इतना था कि लड़खड़ा रही थी, लज्जा कारी था। आज हम अपने माशरे में भी देखें, अपनी
दरवाजे से निकल गए, हमारे माँ और बहन और बेटियों से शर्म और हया खत्म हो गया, देखकर पहचानना मुश्किल है कि ये मुसलमान की बेटी है। चलवार भर की टखनों से नीचे जा रही है, औरतों की शर्म टखनों से ऊपर आती जा रही है, अच्छे अच्छे दीनदार घरों की बच्चियां भी टखने नंगे हो गए। ये हराम है औरतों के लिए टखनों को नंगा रखना, मर्दों के लिए टखने ढांकना हराम है, औरत के लिए नंगे रखना हराम। और इतना हया था कि एक दफा हुजूर अलैहिस्सलाम मिलने के लिए हम फातिमा के घर आए, और आया तो दरवाजा खोला तो हुजूर के पीछे हुजूर के सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम जो नामीना सहाबी थे वो भी थे। तो अम्मा फातिमा की निगाह जब उन पर पड़ी तो दो के अंदर गई और रिपोर्ट में छुप गई। वो अंदर आए हुजूर से बैठे फिर मुलाकात करके चले गए। हुजूर ने पूछा कि तो क्यों छुप गई, हालांकि मेरे वो सहाबी तो नामीना है, वो सहाबी को तो नजर नहीं आता। तो हमारे कहता कि रसूल उनको नजर नहीं आता लेकिन मुझे तो नजर आता था, तो मैंने इस बात को पसंद नहीं किया कि मेरी निगाह भी किसी गैर मालूम की ऊपर पड़ जाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक दफा पूछा सहाबा से, सहाबा ने मजमे में पूछा कि बताओ भाई अल्लाह को औरत की सबसे महबूब और आला सिफत अल्लाह के नजदीक कौन सी खूबी है, कौन औरत की कौन सी खूबी अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। तो सहाबा ने मुख्य बातें की, हुजूर ने उसको नहीं कबूल किया, हालांकि दौड़ते हुए घर गए और फातिमा से पूछा कि हुजूर ये पूछ रहे हैं कि औरत की कौन सी खूबी अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। तो हजरत फातिमा ने फरमाया कि औरत की सबसे आला खूबी जो अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है वो ये है कि ना उसको कोई गैर मालूम मर्द देखे ना वो किसी गैर मालूम मर्द को देखे, औरत की ये खूबी अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। तो ये हजरत फातिमा का किरदार था, हमारी माओ बहनों के लिए ये किरदार काबिले इत्तेबा, इसको देखकर अपनी जिंदगियां गुजारेंगी तो अल्लाह तआला जलालुहु कल क़यामत के दिन जहां हजरत फातिमा सैयदत निसाए अहले जन्नत होंगी उन्हीं के साए में अल्लाह इनका भी हश्र फरमा देगी, वरना जिसके पीछे चलेंगे रास्ता सीधा वही जाएगा जहां वो जाएगा। इसलिए आज से दो दिन बाद वैलेंटाइन डे भी है, 14 फरवरी को हर साल होता है और ये पूरी दुनिया में बेहयाई का दिन मनाया जाता है और उसमें मुसलमान भी उसमें शरीक होते हैं, मुसलमानों की बच्चियां भी उसमें शरीक होती हैं, हर ऐलान बेहयाई होती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिन्हुम, जो आदमी जिस कौम की मुशाबत अख्तियार करेगा जिनका तरीका अख्तियार करेगा कल क़यामत के दिन जहां वो लोग जाएंगे ये भी उनके पीछे पीछे वहीं पहुंचेगा। यहूदी नसारा की इत्तिबा उनके पीछे चलना वो कहां जाएंगे, ईमान के बगैर जिसका खात्मा होगा अल्लाह फरमाते हैं सीधा हमेशा की दोज़ख में जाएगा। तो जो उनको देखकर चलेगा अपनी जिंदगी का दस्तूर उनको देख के बनाएगा वो भी वहीं जाएगा जहां ये जाएंगे। और इसी तरह दूसरा तरीका हमारे यहां बसंत का भी है, मैंने सुना कि कल और परसों यहां बल्कों में बसंत हो रही है, इस पर मैं पीछे बयान कर चुका हूं किसका तरीका है। एक हकीकत राय सियालकोट के अंदर एक हिंदू था, उसने हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की थी और उसके नतीजे में उसको फांसी दी गई थी और उसकी याद में हर साल लाहौर से शुरू हुआ ये दिन अब पूरे पाकिस्तान में मनाया, पहले हिंदू मनाते थे अब उसी की याद में मुसलमान दिन मनाते हैं। वो हुजूर अलैहिस्सलाम का गुस्ताख था जिसको फांसी दी गई थी, उसको उन्होंने लीडर बना के पेश किया, उसकी याद मनाई जाती है, आज क्या मुसलमान की याद मनाता है। वैसे जुबान से कहो तो हम आशिके रसूल हैं, हमसे बड़ा आशिके रसूल कोई नहीं है, लेकिन तरीका वही अख्तियार करेंगे जो अल्लाह के नबी के दुश्मनों वाला तरीका होगा उसको ही अख्तियार करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों से तो हमें चीजों से बचना चाहिए, ऐसा ना हो कि दुनिया में कुछ वक्त का गुल छड़े हम उड़ा दे मजे कर दे, कल को हुजूर अलैहिस्सलाम के दरबार में जब हाजिरी होगी और हुजूर अलैहिस्सलाम हमारा गरीबान पकड़ लें कि मेरे दुश्मन को फांसी दी गई और उसकी याद में उसी कौम ने त्यौहार मनाना शुरू किया था और तुमने भी उसको मनाना शुरू किया, तुम्हें हया नहीं आई, मैं तुम्हारा कभी था, मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे लिए परेशानी में मशक्कत में गुजारी, मैंने अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं बनाया, सब कुछ तुम्हारे लिए दुआ मांगता रहा, तुम्हारे लिए तुम्हारे अंदर हया नहीं था कि तुम इस काम को छोड़ देते।
इसलिए सबसे अर्ज करूंगा कि जिन लोगों को पता चला है कि क्या-क्या कालों परसों का, इसे तौबा करें, इस्तिगफार करें, और गांव के जो बड़े लोग हैं उनको इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। हर बात में ये देखना नहीं मेरा खानदान, मेरी बरादरी है, मेरा कुंबा है, नाराज हो जाएगा कल को अल्लाह के दरबार में।